नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मात्र एक आलू से 50 पापड़ बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। और इस वाले पापड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं और एकदम दूध के जैसे सफेद पापड़ बनेगा। तो कैसे बनाएंगे जो इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होगा और बहुत ही अच्छा खस्ता पापड़ हमारा बनके तैयार होगा। एकदम पानी के जैसे पतला बनेगा और खाने में बहुत ही ज्यादा कुरकुरा। तो यहाँ पर बड़े साइज का एक आलू ले रही हूँ। आप चाहें तो दो आलू, इससे छोटा है तो दो आलू भी आप ले सकते हैं और चार पांच भी ले सकते हैं यदि आप ज्यादा पापड़ बनाना चाहते हैं तो। इसके अंदर डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद आलूओं को पहले एक बार अच्छे से धो के साफ करेंगे। तो जैसे जैसे मैं तरीका बताऊंगी सारे तरीके देखिएगा और इसी तरीके से पापड़ बनाइएगा ना, तो क्या होगा आपके पापड़ जो है बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि कच्चा आलू है। कच्चा आलू से जब पापड़ आप बनाए होंगे तो अक्सर वो काला हो जाता है, और मेरे जैसे बनाइएगा तो बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो देखिए, आलूओं को एक बार अच्छे से धो के साफ जरूर करना है, भला इसका आप छिलका हटाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आलूओं को एक बार अच्छे से धो के साफ करना है। अब ये वाले पानी को हटा देंगे और फिर से इसमें दूसरा पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ना तो मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अभी आलू का छिलका हटा देना है, देखिए कुछ इस तरीके से, और आलू जो है अच्छा बड़ा है तो इसका बहुत सारा पापड़ बनके तैयार होगा। पापड़ को सुखाने के लिए आप धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे के हवा में भी इसको सुखा सकते हैं। तो सारे ही तरीके से पापड़ एकदम परफेक्ट बनेगा और बहुत ज्यादा कोई तामझाम भी नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ चीजें भी ऐड नहीं करने हैं। तो देखिए, आलू को छीलने के बाद फिर से इसको एक बार अच्छे से दूसरा तीसरा पानी से इसको साफ कर लेंगे। तो अभी आलू देखिए साफ हो चुका है। अब सारे आलू को बारीक बारीक कट करेंगे। आज का जो तरीका है एकदम अलग है, इस तरीके से आज से पहले आपने कच्चे आलू के पापड़ नहीं बनाए होंगे। अब इसको इस तरह जितना पतला आप कट कर सकते हैं उतना पतला इसको काट के और पानी के अंदर ही डालते जाइए, जिससे कि आलू का कलर जो है चेंज ना हो। फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरीके की पापड़ की रेसिपी चाहिए, जैसे मूंग दाल, चने दाल, उड़द दाल, किसी भी तरह के पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। आप YouTube पर सर्च कर ले मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं पहले बना के अपलोड की हुई हूँ। यदि आप लोग नए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो सर्च करके आप कोई भी वीडियो देख ले। आपको किसी भी चीज की रेसिपी चाहिए तो रेसिपी का नाम, हमारे चैनल का नाम लिख के आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में आलू पूरा कट के तैयार हो गया है और आलू को पानी के अंदर ही डाल के छोड़ना है। अभी इसको कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा देर, ये 5 से 7 मिनट तक आलू जो है पानी के अंदर ही पड़ा रहना चाहिए। तो ये जो है काला हो जाता है, वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। आज मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगी, ऐसा ना कि ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो चलिए, आलू को इसी तरीके से छोड़ देते हैं अभी। तो पापड़ बनाने के लिए आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन चढ़ाई हूँ, सिर्फ ध्यान रखिएगा कि कोई भी बर्तन ले रहे हैं थोड़ा सा मोटा तले वाला होना चाहिए। इससे क्या होगा, पापड़ जब आप बनाएंगे ना तो वो चिपकेगा नहीं। अब देखिए, कोई भी कप या कटोरी से नाप के इसमें पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पर एक कटोरी डाली हूँ, एक कप, और ये है दूसरा कप। 2 कप पानी पैन के अंदर डाल दी हूँ। अब पानी के अंदर हमें क्या डालना है, इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। बहुत ज्यादा नमक नहीं डालिएगा क्योंकि एक ही आलू से पापड़ बनेगा तो इतना नमक काफी हो जाएगा। ये काम आपको पहले से करके रखना है और साथ में इसमें डालना है, आपके पास है पापड़ खार तो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। डालने से थोड़ा सा पापड़ हमारा जो है खस्ता बनता है। तो यहाँ पर 1-2 चुटकी के जितना पापड़ खार इसमें ऐड कर देती हूँ। ये डालने से पापड़ हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। दोनों चीज डालने के बाद गैस के फ्लेम को लो करके छोड़ेंगे और पानी को पकने देंगे। जब तक हमारा पानी पक रहा है, इस पे लगा देती हूँ ढक्कन।
फ्लेम को लो ही रखेंगे। इससे क्या होगा कि पापड़खार जो इसमें पड़ा हुआ है, पापड़खार हमारा बहुत अच्छे से पकेगा और पानी भी तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप एक बार बनाइएगा ना, तो पापड़ आपके काले नहीं पड़ेंगे। जब तक पानी तैयार हो रहा है तब तक चलिए दूसरी तैयारी कर ली जाए। तो आलू को पानी में डाले हुए 5 मिनट के करीब हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से मलमल के अच्छे से साफ करेंगे। इससे क्या होगा, आलू में जो स्टार्च रहता है वो ज्यादा से ज्यादा निकलेगा और आपके आलू के पापड़ काले नहीं होंगे। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे आलू को मल रही हूँ, पानी का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो रहा है, देखते जाइए आप। इसके कारण मैं ये वाले बर्तन में आज बना रही हूँ वीडियो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत सारे दोस्त का कमेंट रहता है ना, उनका पापड़ जो है काला पड़ गया सूखने के बाद, तो उनके लिए ये रेसिपी जो है एकदम सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आलू को अच्छे से मल के आपको साफ करना है। देखिए कितना पानी का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी क्या करेंगे, ये वाले पानी जो है इसको वापस से निकाल लेना है। ये काम आपको जरूर करना है। फिर से इसमें दूसरा पानी डालेंगे, देखिए कितना गंदा ये पानी निकला है इसमें से। इसी से हमारे आलू के पापड़ जो है काले हो जाते हैं। यदि आप इसको कम साफ करेंगे, कम बार धोएंगे, तो ये काला तो पड़ना ही पड़ना है। फिर से इसको अच्छे से मलेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 बार आलू को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। अब आलू हमारा बहुत अच्छे से साफ हो गया है। इसको 3 से 4 बार दूसरा दूसरा पानी चेंज करके साफ कर ली हूँ। अब सारे आलुओं को डालेंगे मिक्सर जार में और इसको अच्छे से बारीक करके पीसेंगे। आलू को पीसते वक्त इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं ही करना पड़ता है, अपने आप से पीस जाता है। यदि आपको लगे कि पीस नहीं रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल के इसको पीस सकते हैं, लेकिन अच्छे से बारीक करके पीसिएगा। तो पीस के पहले देखती हूँ, पानी का जरूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए आलू को पीसी हूँ, लेकिन इसको पीसते हुए जरा सा भी पानी नहीं डाली थी। आलू हमारा बहुत अच्छे से पीस चुका है, देख पा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर आलू के अंदर हमें डालना होगा साबूदाना। तो यहाँ पर आधा कप फुला हुआ साबूदाना आप ले सकते हैं। साबूदाने को कुछ समय पहले आप डाल दें, 5 से 6 घंटा पहले फूलने के लिए, तो साबूदाना जो है बहुत अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाता है। यदि आपके पास फूला हुआ साबूदाना नहीं है, आप जैसे वीडियो देखने के बाद तुरंत ही आपका मन कर जाए कि ये वाले वीडियो को देख के बनाया जाए, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स कि साबूदाने को, सूखे साबूदाने को अच्छे से पीस दीजिएगा पहले जार में डाल के, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप फूला हुआ साबूदाना आलू के साथ ही डालेंगे और इसको फिर से वापस से अच्छे से पीस के बारीक करेंगे। थोड़ा मोरा साबूदाना हल्का सा दरदरा रह भी गया तो कोई बात नहीं, जब पकाएंगे तो वो गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आलू और साबूदाने को बहुत अच्छे से पीस के बारीक कर ली हूँ, लेकिन फिर भी इसमें हो सकता है कि आलू के कुछ टुकड़े रह गए होंगे, तो इसको इसके लिए छानना जरूरी है। तो छन्नी में आप इसको छान सकते हैं। यहाँ पर मोटा जाली वाला छन्नी लेंगे और कप कोई आप ले सकते हैं, तो जिस कप से पानी का नाप की हूँ वही कप लेना है यहाँ पर, और इसमें घोल को नाप के लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 कप ये घोल हुआ और फिर जो बचा है उसको इसमें डालेंगे। तो ये 1.5 कप के करीब है, तो थोड़ा सा जार में पानी डाल के और इसको 2 कप बना लेते हैं। 2 कप पानी पहले से गर्म हो रहा है हमारा। पहले इसको अच्छे से छानेंगे, उसके बाद आपको बताती हूँ कि 2 कप पेस्ट के लिए यानी 1 बड़े साइज आलू और आधा कप साबूदाने के लिए आपको कितना पानी डालना होगा। तो सबसे पहले आप घोल को किसी भी बर्तन से नाप के और देख लेंगे, जितना आपका घोल हो रहा है उसी के अनुसार से आप पानी डाल लीजिएगा। इसमें चिकना सा हमें पेस्ट मिल चुका है और ये 2 कप है, इसमें अभी 1 कप पानी और डालेंगे। 2 कप घोल है तो 1 कप पानी, और 2 कप पानी पहले से है इसमें 1 कप पानी और, यानी 2 कप घोल के लिए हमें 4 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो 2 कप यहाँ डाल रही हूँ, 2 कप गर्म हो रहा है, तो 4 कप कुल पानी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा पानी का भी मात्रा यदि आप कर देते हैं इस टाइप के पापड़ में, तो भी आपके पापड़ काले पड़ जाते हैं और अच्छा नहीं बनता है। इसको बहुत अच्छे से एक बार घोल लेना है और चलिए पापड़ खार वाले पानी को देख लेते हैं। पानी बहुत अच्छे से उबल चुका है और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, यदि हाई फ्लेम कीजिएगा तो पानी बहुत जल्दी जलेगा। अब क्या करेंगे,
कि एक हाथ से घोल को डालेंगे, दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। और गैस के फ्लेम को लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है आपको। सारे घोल को डाल दी हूँ, नमक इसमें पहले से डाला हुआ है, पापड़ खार डाला हुआ है, तो अभी इसमें कुछ भी डालने का जरूरत हमें नहीं है। अब लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। जब अच्छे से आप घोल इसमें डाल के मिक्स कर लिए हैं, तब थोड़ा सा आंच को मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर ही इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। जब आप आलू का घोल इसमें डाल दिए हैं तो आंच को मीडियम करके ही पकाना है, क्योंकि लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पकते हुए और आपके आलू के पापड़ जो हैं वो काला होने का डर रहता है। तो ये बहुत जल्दी पक जाता है, क्योंकि आलू को पकते ज्यादा समय नहीं लगेगा और साबूदाना भी जो है वो भी बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और साबूदाना हमारा पहले से फूला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपको बहुत तरह के पापड़ की रेसिपी मिल जाएंगी, अभी बहुत सारे रेसिपी आने बाकी हैं, तो आप हमारे सारे वीडियो को देख पाए बहुत ही आराम से घर बैठे, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। छोटा सा जो घंटी है ना, उसे भी एक बार प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले ना कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ कहाँ से हमारे नए नए दोस्त बन रहे हैं, आपका थैंक्स भी कर सकूंगी। तो देखिए, अब कुछ ही देर हुआ है और ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, देख पा रहे हैं। इसको अभी और पकाना है, यदि आप कम पकाएंगे तो भी ये जो है पापड़ हमारा सूखने के बाद टूट जाता है और खाने में कड़ा लगता है। कच्चा आलू का पापड़ है तो इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट तक आपको इसे पकाना है। लेकिन चलाते रहिएगा, जरा सा भी छोड़िएगा तो ये चिपक जाएगा अंदर में, फिर इसमें जले जले सा स्वाद आएगा। और व्रत में भी आप ये पापड़ खा सकते हैं, इसमें व्रत वाला नमक ऐड कर ले, और यदि व्रत के लिए आप बना रहे हैं तो पापड़ खार वगैरह नहीं डाले, ऐसे प्लेन ही बना ले, तो ये व्रत में भी आप बहुत आराम से खा सकते हैं पापड़, इसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो देखिए, पापड़ पकते हुए पापड़ का घोल यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो गया है, अब इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाऊंगी। जब आपका पापड़ का घोल इतना गाढ़ा हो जाए, देख पा रहे हैं, तब कर देंगे फ्लेम को लो। अब लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक, लास्ट वाला जो समय है उसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे, तो जो ये हल्का फुल्का कच्चा रह गया होगा वो भी अच्छे से पक जाएगा और हमारा घोल जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो शुरू से मीडियम फ्लेम रखिएगा और बाद में 2 से 3 मिनट इसको लो फ्लेम पर पका लीजिएगा, बस आपका जो है पापड़ का घोल बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अच्छे से पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये अच्छे से पक गया है, देखिए जब पकेगा तो ऊपर से इस तरीके से झाग झाग सा बनना शुरू हो जाएगा और ये गाढ़ा गाढ़ा सा भी हो जाएगा, देख पा रहे हैं। अब ये बहुत अच्छे से पक गया है, तो अभी कर देंगे गैस को बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जिससे कि इसका पापड़ बहुत आराम से बना सके। अब सारे घोल को दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि ये जो है इसमें जल्दी ठंडा नहीं होगा, तो इसके लिए इसे निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कीजिए, तब ये थोड़ा जम जाएगा, जम जाएगा तो फिर इसका पापड़ जो है बहुत अच्छे इसका शेप से बनेंगे, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखिए, एक आलू से ही कितना ज्यादा घोल बनके तैयार हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि इसका छोटा छोटा पापड़ 50 से भी ज्यादा आप बना के तैयार कर सकते हैं। पापड़ बनाने के लिए आप कोई सा भी पॉलिथीन ले सकते हैं। और घोल देखिए, जैसे जैसे घोल ठंडा हुआ है ये कितना अच्छा गाढ़ा होके तैयार हो गया है, तो इतना ही गाढ़ा इसको रखिएगा, बहुत ज्यादा सुखा दीजिएगा तो फिर पापड़ का जब शेप देंगे ना तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकता है। अब पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। ए वाले चम्मच से 1 चम्मच करके इसमें घोल डालेंगे और हल्का सा इसको फैलाएंगे। जो आप कच्चे आलू के पापड़ बनाते हैं उसका साइज थोड़ा छोटा ही रखिए, तो पापड़ बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूरी पे हमें घोल को डालना है और हल्का सा इसको फैलाना है। हल्का सा फैला दीजिएगा तो ये इसका जो शेप है ना वो बिगड़ेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा।
क्योंकि इसको जगह मिल जाएगा कि हमें इतना ही फैलना है, तो इतना ही वो फैलेगा, समझ जाएगा पापड़। तो इसके लिए इसको आप फैला थोड़ा जरूर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे पापड़ को बना के और डाल दी हूँ सूखने के लिए, और आप देख पा रहे हैं कि पापड़ हमारा कितना ज़्यादा बन के तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा पापड़ बना है। और इसे घर में ही बना के डाली हूँ सूखने, धूप में भी डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पापड़ सूखता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पापड़ सूख के तैयार हो गया, और पापड़ को आपको दूसरे तरफ से पलटने का कोई ज़रूरत नहीं, जब यह सूखेगा तो खुद ब खुद ये निकल जाता है। और देख पा रहे हैं कितना सफ़ेद सफ़ेद सा पापड़ और एकदम गोल मटोल सा बन के तैयार हुआ है। सारा पापड़ पॉलीथीन से खुद ब खुद निकल के और हो गया। इसे बिल्कुल भी धूप में नहीं डाली हूँ, फिर भी हमारा पापड़ बहुत अच्छे से सूखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब पापड़ फ्राई करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना पतला पतला सा पापड़ बना है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें पापड़ डालते हैं और ये पापड़ जो है काफी पतला होता है, तो बस बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा पापड़ को फ्राई होते हुए। देखिए और इसका साइज भी आप देख पा रहे हैं कि पापड़ का साइज भी काफी बड़ा हो रहा है। और देखिए एक भी जरा सा पापड़ जो है हमारा काला नहीं पड़ा है, तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि आज का जो तरीका है बिल्कुल नया है। ये पानी पहले से गर्म करके रखेंगे तो आलूओं को रेस्ट करने का समय नहीं मिलेगा, और आपके पापड़ जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकदम से सफ़ेद सफ़ेद से बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।